दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ चंदन कुमार और आज मैं रस खान की कविताओं का पाठ करने जा रहा हूँ। दरअसल ये जो काव्य पाठ है ये गेय होगा, मगर दोस्तों मेरे पास न तो सुर है, न ताल है, न साज है और न राग है। बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, फिर भी कक्षा में ये पाठ कुछ ज़्यादा ही जरूरी लगा है मुझे पहले भी, तो इसलिए आज फिर से उस प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ जो सवैया छंद में है। मानुष हो तो वही रस खानी, ये इसका शीर्षक है, इस पद का नाम इससे हम जानते हैं इसे। तो आइए शुरू करते तो हैं। कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के देनो मझारन। पाहुन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहुन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, रहो कालिंदी कुल कदंब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। धन्यवाद।